हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं इंटीग्रेशन चैप्टर यानी कि समाकलन चैप्टर में एक्सरसाइज 7.5 का थ्योरी का क्लास, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटीग्रेशन बनाने के तीन तरह के मेथड्स होते हैं, जिसमें कि आप लोगों ने पहला 7.2 में पढ़ा था और दूसरा जो मेथड्स आप लोगों को पढ़ना है वह है 7.5 में। और ये मेथड्स कौन सा है इसके बारे में आप लोग जानते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। वैसे तो आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन के बारे में पहले भी मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाया था, लेकिन उसमें आप लोगों को फॉर्म नंबर 4 तक मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा दिया था। जैसे जनरली तौर पर आप एक बार याद कर लीजिए कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के 5 गो फॉर्म्स होते हैं, जिसमें आपको 5ों फॉर्म्स पर ही आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो जिसमें आप 4 गो हमने आपको पूरा अच्छा से बता दिया है और ये आज के वीडियो में हम आपको 5वां नंबर बताएंगे। अगर आप इस 5ों वीडियो को मतलब 5ों फॉर्म को आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आप आसानी से अपना एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं फॉर्म नंबर फॉर्म आपकी कैसा होता है और उसको बनाते कैसे हैं। तो देख लीजिए, ये आप लोगों का 5 नंबर फॉर्म है कि px2 + qx + r / x - a (x²) + bx + c। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, लेकिन हम आपको इसका तरीका से बताते हैं। जैसे आपको कैसे समझना है कि यह फॉर्म नंबर 5 पर है या फॉर्म नंबर 4 पर है, तो आपको ध्यान देना है कि आपको ये वो सिंगल सा ब्रैकेट मिलेगा, जैसे x-2 हो सकता है, x+2 हो सकता है, x+5 हो सकता है, इस तरह से एक वो सिंगल ब्रैकेट। और एक आपको ऐसा ब्रैकेट मिलेगा ना जिसका फैक्टर करना पॉसिबल न है, जिसको आप फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, ऐसा आपको ये ब्रैकेट मिलेगा। जैसे x² + bx + c ऐसा एक द्विघात समीकरण होगा यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसका फैक्टर करना पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको बस दो ही चीज ध्यान देना है, ये पहला कि ये वो सिंगल सा ब्रैकेट होना चाहिए, दूसरा कि ये कोई द्विघात समीकरण होना चाहिए जिसका फैक्टर पॉसिबल ना हो। तो जैसे ही आपको इस तरह के दो ब्रैकेट मिलते हैं तो ये समझिए कि ये फॉर्म नंबर 5 पर है। अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन आपको 7.5 में मिले तो आपको समझना है कि फॉर्म नंबर 5 पर है। अगर 5 पर है तो इसको बनाएंगे कैसे, तो उसके लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना होगा। a/c ये वाला ब्रैकेट x - a जो भी पहला ब्रैकेट होगा उसको लिखिएगा a/, उसके बाद क्या कीजिएगा bx + c और बटा में ये दूसरा सारा ब्रैकेट। तो दूसरा ब्रैकेट क्या है, x² + bx + c, तो दूसरा ब्रैकेट आप लिख लीजिएगा x² + bx + c। एक बार फिर से बताते हैं कि आपको क्या देखना है, एगो सिंगल सा ब्रैकेट देखना है और एगो द्विघात समीकरण देखना है, और द्विघात ऐसा होगा जिसका फैक्टर पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, a/ पहला ब्रैकेट लिख लेंगे और यहां पर क्या लिखेंगे +bx + c और बटा में x² + bx + c यानी कि दूसरा सा द्विघात समीकरण का ब्रैकेट, ठीक है। तो अभी आप लोगों को बस ये चीज तो समझ में आया होगा कि हाँ इस फॉर्म पर आएगा तो ऐसे करेंगे। तो हम आपको एक एग्जांपल्स लेकर आपको करके बताते हैं, अगर क्वेश्चन वैसा रहता तो उसको बनाते कैसे हैं। अच्छा, इस समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं जिससे कि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, फॉर्म पहले आप गौर से देख लीजिए कि पहले आपको क्या बोले थे, ऊपर में कोई एक फंक्शन होगा x के रूप में जो आपको याद रखना है, नीचे वाला पर ज्यादा खास करके नजर रखना है, ये वो आपको ब्रैकेट याद रखना है और एक वो ऐसा द्विघात समीकरण होगा जिसका फैक्टर पॉसिबल नहीं होगा। तो देखिए, ये x+2 एक सिंगल सा ब्रैकेट है और ये एक द्विघात समीकरण है, द्विघात करने का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको आप फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, तो फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे तो समझ जाइए कि ये फॉर्म नंबर 5 पर, क्योंकि एक वो ब्रैकेट भी है और एक वो द्विघात समीकरण भी है। तब आप क्या कीजिएगा, इसको आप फॉर्म नंबर 5 पर सेट कीजिएगा। तो अभी हम आपको बताया हुआ था कि फॉर्म नंबर 5 पर क्या बताया थे, इसको आपको पुट करना होगा या मान लेना होगा, जो भी क्वेश्चन होगा उस सारा क्वेश्चन को लिख लीजिएगा पहले इस तरह से x + 2 * x² + 1, और इसको आप क्या कीजिएगा, a/ पहला सब ब्रैकेट लिखिएगा। तो पहला ब्रैकेट क्या है, x + 2, तो लिखेगा x + 2, प्लस के बाद आप क्या लिखेगा, bx + c और बटा में दूसरा सब ब्रैकेट जो आप लोगों का द्विघात समीकरण है, तो x² + 1, तो यहाँ लिखेगा x² + 1 इस तरह से। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्म नंबर 5 पहचान लेना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने 4 नंबर फॉर्म तक देख लिया है वीडियो, तो आप लोग इस तरह के फॉर्म को
आप आसानी से पहचान सकते हैं। और हाँ, अगर आप पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं फॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4 तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको बढ़ाते कैसे थे, इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको करना क्या होगा, ए का मान, बी का मान और सी का मान आपको निकालना होगा। बस यही मेन चीज होता है, ए बी सी का मान निकाल लीजिएगा तो इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए हम आपको बताते हैं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, ई वाला बेचारा को छोड़ दीजिए, जस के तस इसको उतार रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा। बस आपको इधर क्या कीजिए, भीम का जरूर बना दीजिए। तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा, एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस तरह से भीम का जोर बना लिए। बनाने के बाद आप बताइए, इससे तो वो कट जाएगा तो इससे गुना हो जाएगा, इसमें तो गुना कीजिए, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस, फिर सोचिएगा ये वाला से ये वाला कट जाएगा तो ये बचेगा ना, तो इसमें आपको गुना करना है। लेकिन सोचिए आपको यहाँ दो को टर्म है ना, बी एक्स प्लस सी, तो आपको इससे गुना करना है तो दोनों में गुना कर दीजिएगा, इसमें भी और इसमें भी। तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, बी एक्स तो पहले से था हुआ, गुना कर लिए एक्स प्लस टू से प्लस, फिर एक्स प्लस टू में सी से ना, तो लिखेगा सी इंटू एक्स प्लस टू और इस तरह से। क्या आपको ये मेरा बात समझ में आए, एक बार फिर से आपको बता दें कि सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसको तो मान लीजिएगा ए बटा सिंगल सब ब्रैकेट प्लस बी एक्स प्लस सी बटा एक दो घात, और जस के तस रहेगा, इसको एलसीएम लेकर भीम का जोर बना दी, इसमें इससे गुना कर दिए और इन दोनों में गुना कर दिए। करने के बाद आप गौर से देखिए तो आपको ये कटने वाला कोई दिख रहा होगा नीचा से नीचा, है ना, तो कटेगा तो बताइए क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स इंटू एक्स प्लस टू और प्लस में ही वाला दे चार। ठीक है, और ये बेचारा को आप क्या कीजिएगा, समीकरण एक मान लीजिएगा। समीकरण एक मानने के बाद आपको करना क्या होगा बुआ सा, ए बी सी का मान आपको निकालना होगा। यहाँ देखिए ए बी और सी का मान, ए बी सी का मान निकालने के लिए आपको पहले भी हम बताए थे कि आपको ब्रैकेट पर ध्यान देना है। तो देखिए इसमें आप गौर से देखिए कैगो ब्रैकेट है, एगो एक्स स्क्वायर प्लस वन है, एगो एक्स है, एगो एक्स प्लस टू है और एगो एक्स प्लस टू है, तो दोनों तो सेम है, लेकिन इसको गौर से देखिए। तो आप पहले क्या कीजिए, इस सब ब्रैकेट को ना बारी बारी से जीरो करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, उससे आपको आसानी से ए बी सी का मान निकल जाएगा। तो देखिए सबसे हम करते हैं, इसको हम जीरो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इससे एक्स का मान नहीं निकल पाएगा, लेकिन इससे निकल सकता है एक्स प्लस टू से। तो सबसे पहला बात आप इसमें पुट कीजिए एक्स का मान माइनस टू। अब ये एक्स का मान माइनस टू कैसे पुट कर रहे हैं ये थोड़ा सा आपको बता दे कि एक्स प्लस टू यहाँ पर भी, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, एक्स प्लस टू जो आपका पहला ब्रैकेट है उसको आप जीरो के बराबर कीजिएगा, एक्स प्लस टू जीरो के बराबर कीजिएगा ना, तो आपने एक्स का मान कितना आएगा हुआ सा माइनस टू आएगा। तो जो भी एक्स का मान यहाँ मान लीजिए यहाँ एक्स प्लस वन रहता तो एक्स प्लस वन बराबर जीरो करते तो उसे एक्स का मान माइनस वन आता, तो माइनस वन आता तो माइनस से वन रखते। तो देखिए इसमें हम क्या रखेंगे, एक्स का मान माइनस टू, तो देखिए इस पूरे पार्ट में रखिएगा, इधर भी तो रखिए, इसलिए माइनस टू का स्क्वायर प्लस माइनस टू प्लस वन बराबर, इसमें माइनस टू रखिएगा तो ए इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस वन, और सोचिए यहाँ जैसे ही माइनस टू रखिएगा बुआ से माइनस टू प्लस टू जीरो, पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा तो डायरेक्ट लिखते हैं जीरो, और ये अभी माइनस टू प्लस टू जीरो हो जाएगा तो डायरेक्ट लिखते हैं जीरो। बात समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़ाइएगा, हाँ दिखाई दे रहा, इसको क्या करेंगे, माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर और ये प्लस माइनस माइनस टू प्लस वन बराबर माइनस टू का स्क्वायर क्या होगा चार, और प्लस में चार और एक पांच, यानी ए इंटू फाइव, और ये सब तो बचा रख गया घर है। आगे बढ़ाते बुआ से इसको जोड़ घटाव कर लीजिए, तो चार एक पांच, पांच में से दो घटेगा तो तीन बराबर फाइव ए, दैट इंप्लाइज ए का मान बता दीजिए कितना आया, गुना में पांच तो बट्टा में पांच जाएगा, यानी थ्री बाई फाइव। इस तरह से आप ए का मान बुआ सा निकाल लिए। तो जैसे ही आपको ए का मान निकला है तो अभी आप ए का मान कैसे निकाले, क्योंकि आपने एक्स का मान माइनस टू पुट किया तो ए का मान निकल गया, लेकिन अभी भी आपको दो गो मान निकालना है जो बी और सी। तो सबसे पहले आप लोग एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए, तो हम आपको ए बी सी और बी और सी का मान भी बताते हैं। देखिए हमने क्या किया, पहले तो ये वाला ब्रैकेट रख के क्या किया, जीरो के बराबर करके उसे एक्स का मान निकाल लिया, जो भी निकला उसको हम इस समीकरण में रख दिए। रखने के बाद हमारा ए का मान तो बुआ से आ गया, लेकिन अभी भी हमको दो और मान निकालना है, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, ब्रैकेट देखिए, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट जो है ना इसको जीरो के बराबर कीजिएगा तो इससे एक्स का मान नहीं निकलेगा। सोचिए एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो, तो इससे आपका एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वन, तो इससे आप एक्स का मान नहीं ना निकाल सकते क्योंकि ये माइनस में आ जाएगा ना रूट अंडर, तो एक्स का मान तो माइनस वन का बर्गुल तो निकलेगा ना ही बुआ, तो इससे तो आपका वैल्यू निकल ही नहीं सकता, ठीक है, तो इससे ना निकलेगा ना। तो लेकिन यहां पर एक और चीज देखिए, यहां पर एक x भी तो है,
यहाँ पर अगर x का मान 0 रखेंगे तो भी तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसीलिए आप क्या कीजिए, इसी समीकरण में x का मान 0 पुट कीजिए। क्या पुट कीजिए, x का मान 0 पुट कीजिए। तो पुट करने के लिए हमको ऊपर वाला मिटाना होगा, थोड़ा सा गौर से देखते रहिएगा, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। इस समीकरण को छोड़ देते हैं क्योंकि आपको इसी में कि आप लोगों ने a का मान तो समझ गया कि 3/5 आ गया। अब आपको करना क्या होगा, इसमें एक और मान निकालना होगा b का और c का। उसके लिए आप गौर से देखिए, आपको बताया था ना, यहाँ पर अगर x का मान इसमें 0 रखिएगा ना तो ये पूरा गायब हो जाएगा टर्म। तो जैसे ही गायब हो जाएगा ना तो आपको एक और का मान निकल जाएगा। कैसे बताते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। इसलिए हम इसमें पुट करते हैं x का मान 0। गौर से देखिएगा, ई वाला ब्रैकेट को 0 करने के लिए हम यहाँ x के मान 0 पुट कर रहे हैं ताकि ये पूरा 0 हो जाएगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखते रहिएगा, यहाँ रखिए, तो 0² + 0+1 = a × 0² + 1। यहाँ पर 0 रखिएगा तो पूरे पार्ट 0, तो डायरेक्टली 0, और ये क्या रहेगा, c × 0+2। ऐसे आगे बढ़ाइएगा तो कितना रहेगा, 1 = इसको आप गुना करिएगा तब 0 में 1 जोड़िएगा तो 1 के ना रहेगा, और 1 में a से तक a रहेगा प्लस, और देखिए 0 में 2 जोड़िएगा तो 2, और 2 में c से तक 2c। यहां तक समझ में आ गया ना। आगे देखिएगा ध्यान से, एक छोड़ दीजिए और a का मान देखिए आप निकाल चुके थे कितना, 3/5 और प्लस में 2c रहेगा। इसको आगे बढ़ाते हैं, c का मान निकालने के लिए क्या कीजिए, 3/5 है ना, इसको आप लेफ्ट साइड ले आइए, तो 1 - 3/5 = 2c। इसको आप भिन्न के घटाव बना लीजिए तो 5 से 5, 5 में से 3 घटेगा 2/5 और बराबर 2c। 2 से 2 आप काट सकते हैं, तो इससे आप c का मान कितना लिख सकते हैं, 1/5। तो अब सोचिए कि आप लोगों ने इस ब्रैकेट से तो आपको बताया कि मान नहीं निकलेगा, तो इससे तो निकाल लिए, x + 2 से तो आप निकाल लिए, फिर वो 1 से भी निकाल लिए, तो इससे आपका क्या हुआ, a का मान और c का मान तो आ गया बउआ, लेकिन आपको 3 को वैल्यू निकालना है a, b, c, जिसमें कि a का मान और c का मान पता हो गया। तो अब आप क्या कीजिएगा, आप अपना मन से कोई भी नंबर रख लीजिएगा सिवाय किसके, जो आप इसमें रख चुके हैं। तो सोचिए इसमें आप क्या रखे थे, a का मान आया था तो -2 रखे थे, और इसमें आप 0 रखे थे, 0 और -2 को छोड़कर कोई भी नंबर आप रख सकते हैं। तो पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम भी आपको रख कर बताते हैं, जो आप लोग का b का मान निकाल कर। हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इस पार्ट को मिटा देते हैं और फिर मान रखते हैं। तो देखिए x का मान 0 तो अब आपको नहीं रखना, c वाला का मान को मत मिटाइएगा, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस से क्वेश्चन बनता है और एक सवाल 5 नंबर का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए बुआ, सर आप पुट कीजिए, तो x का मान आप अपना मन से कुछ भी रख सकते हैं, तो अपना मन से कुछ रखने का मतलब बस दोनों को छोड़कर, तो आप अपना मन से 1 रख दीजिए, क्योंकि 1 तो नहीं ना रखें अभी, तो रखिए 1, तो देखते रहिएगा इस सब में 1, तो 1² + 1 + 1 a × 1² + 1 b × 1 × 1 + 2 और c × 1 + 2। जहां जहां x था ना वहां पर हमने 1 रख दिया, रखने के बाद आपको इससे मान निकल जाएगा खुद, देखते रहिएगा, इसको जोड़ करेंगे तो 3 आएगा, ये 1 और 1 मिल के क्या हो जाएगा 2a+, और ये 1 और 2 क्या होगा 3d, यानी कि 3b, और ये क्या बचेगा, ये अभी तो 3c हो जाएगा। लेकिन गौर से देखिए a b c में आपको किसका किसका मान पता है, a का और c का, तो आप क्या कीजिए a और c का मान रख दीजिए, तो 3/2 और a का मान देख लीजिए 3/5 और b का मान तो पूरा आपको पता नहीं है, लेकिन c का मान तो पता है 3 × कितना 1/5 ना, तो 1/5। अब इसको समीकरण को बनाएंगे ना तो इससे हमारा b का मान आसानी से आ जाएगा, तो आ जाएगा, लेकिन उसके लिए हमको पहले मिटाना होगा। तो थोड़ा सा देख लीजिए, मिटा को मिटा देते हैं, घंटी वाला घंटी बड़ा बजा रहा है, देखो देखिएगा, इसको हम आगे बताते हैं। तो इसको क्या करिएगा, 3 - इसको गुणा कर लीजिए, तो 3 × 6/5 लेफ्ट साइड आए तो माइनस में, और ये 3/5 इधर लाइए तो माइनस में 3/5 और बराबर के बाद 3। आगे देखिएगा, इसको भिन्न का घटाव बनाएंगे तो लघुत्तम 5, तो इसमें बटा में कुछ ना दे, गुणा कीजिएगा तो 5 × 3 = 15 -6 - 3, ठीक है, और उसके बाद ये बेचारा आपका 3 भी रहेगा, ठीक। आगे देखिएगा, इसको अगर बढ़ाएंगे तो ये -6 - 3 तो -9, 15 में से 9 घटाइएगा तो 6/5 बराबर 3b। अब मान है तो इसको आप काट दीजिए, ये 3 × 6 तो कितना आएगा, b का मान 2/5। तो सोचिए आपने b का मान निकाल लिया, c का मान निकाल लिया, a का मान निकाल लिया, और आपको बता दें मेन जो आपको इस क्वेश्चन का तरीका है वह मेन जो है a b c का मान निकालना ही है। अगर आप a b c का मान निकाल लीजिए तो समझिए आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कैलकुलेशन में आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो।
सबको मिटा देते हैं, बस ए बी सी का मान छोड़ देते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का क्वेश्चन था, देखिएगा बस आपको ए बी सी का मान निकाल ली तो समझिए आप इंटीग्रेशन आसान है। तो आप अपने क्वेश्चन पर आ जाइएगा, ठीक है। नाउ अब आप अपने क्वेश्चन लिख लीजिएगा आई बराबर, ये आप लोग का क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को आप शुरू में कुछ मान लिए थे, तो क्या माने थे आप याद कीजिए। अभी आपको जस्ट बताया थे ए बटा सी ए वाला पहला ब्रैकेट प्लस के बाद आप क्या माने थे बी एक्स प्लस सी और बटा में दूसरा सा ब्रैकेट, तो दूसरा ब्रैकेट तो आपका यही है एक्स स्क्वायर प्लस वन इस तरह से। अब आप सोचिए कि आपको ए का मान और बी का मान सी का मान तीनों का मान तो आपको दिखाई दे ही रहा है, तो चलिए हम क्या करते हैं तीनों का मान रख देते हैं या उससे पहले इसको लटका दीजिए, ठीक है। उससे पहले आप लटका दीजिए, तो इसमें लटकाइएगा तो ए बटा वन बाई एक्स प्लस टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस इसमें लटका दीजिए और इसमें भी लटका दीजिए। इसमें लटकाइएगा तो बी बाहर x बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, एक बार फिर से इसमें लटकाएं तो बी बाहर कर दिए x बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर इसमें लटका दीजिए प्लस के बाद c में लटकाइए तो c बाहर इंटीग्रेशन क्या बचेगा वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन और डी एक्स। इसको नहीं मिटा रहे क्योंकि हमको मान रखना है, ठीक है। तो a का मान b का मान c का मान आपको रखना है, उसके लिए आप देख ही पा रहे होंगे a का मान देख लीजिए तीन बटा पाँच, तो रखिए तीन बटा पाँच इंटीग्रेशन एक बटा एक्स प्लस टू डी एक्स। बी का मान देख लीजिए कितना है दो बटा पाँच, तो दो बटा पाँच इंटीग्रेशन एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स प्लस, और सी का मान देख लीजिए एक बटा पाँच इंटीग्रेशन वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन और डी एक्स। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना होगा, क्या करते हैं इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ए बी सी को मिटा देते हैं, ठीक है। अच्छा अब आप देखिए गौर से कि इसको मिटाने के बाद अब आपको बस इसका इंटीग्रेशन करना है, तो याद कीजिए कि 3 बटा 5 बाहर तो 1 बटा x प्लस 1 का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं log mod x प्लस 2। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए कि इसको बोवा से t मानेंगे ना, देखो डिफरेंशिएशन इतना आ जाएगा x स्क्वायर का 2x होता है, तो 2x ना दी बराबर 2 को आप इधर साइड में भेज दीजिए इसके अंदर कर दीजिए, 1 बटा 5 बाहर 2x बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन और डी एक्स। एक लाइन बढ़ा एक टू को इन्हें भेज दिए ताकि आप इसको निचला को टी मानिएगा ना, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा, तो आप डायरेक्ट लॉग मोड लिख सकते हैं। और इसका देख लीजिए एक बटा पाँच वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन को, तो आपको याद होगा कि टैन इनवर्स एक्स होता है। एक लाइन बढ़ा देते हैं आपका फाइनल आंसर आ जाएगा लॉग मोड एक्स प्लस टू प्लस एक बटा पाँच। सोचिए हुआ सब इसको अगर आप टी मानिएगा तो एक डिफरेंशिएशन ये आएगा ना, तो वन बाई टी का क्या होता है लॉग मोड टी, और टी किसको माने एक्स स्क्वायर प्लस वन को, और प्लस में एक बटा पाँच टैन इनवर्स एक्स, और लास्ट में आप क्या लगा दीजिएगा सी, और यही आप लोगों का आंसर होगा। तो इतना प्रोसेस कीजिएगा तब आपको फॉर्म नंबर 5 पर सवाल बनेगा, और याद रखिए एक सवाल जो है आप लोगों का 5 नंबर का है, तो आप इसी तरह के सवाल अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप अपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.5 में आप क्या कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 और ये 7 क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, दो प्रश्न जो है आपको इसी तरह के हूबहू मिलेगा। तो आप अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए हैं तो आप इन दोनों सवाल को बनाने का प्रयास जरूर करिएगा, और संभवतः अगर आप इस बात को पूरा समझ गए हैं तो आप दोनों क्वेश्चन को जरूर बना लीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक ज़रूर करिएगा, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे 7.5 का क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहले आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए तब हम आपको बताएंगे, तो आप लोग को ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।